स्वागत है आप सभी का फिर एक बार क्रैक में मेरे साथ। पहला टेस्ट मैच इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका। अब देखिए यार, व्हाइट बॉल सीरीज ठीक है यार, मतलब जो भी है फैंटेसी के लिहाज से तो बढ़िया सीरीज आते हैं, लेकिन जब टेस्ट मैच आता है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका में, तो मजा अलग हो जाता है फैंटेसी का भी और मैच देखने का भी। अब क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या क्या आंकड़े हैं, किस तरीके से आप एक बढ़िया फैंटेसी टीम बना सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स लेकर के आ गए आपके लिए। तो फटाफट से वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प शो बनाएंगे आपके लिए ताकि आप भी खुद ब खुद बढ़िया फैंटेसी टीम बना सके। चलिए शुरुआत करते हैं यार। अब देखिए, ओडीआई श्रृंखला तो भारत ने जीत ली, लेकिन अब सारे के सारे वेटरन्स वापस आ रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सबकी वापसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मजा दुगना होने वाला है। अब ये मैच रहेगा सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में। अब वेदर से अगर शुरुआत करते हैं तो यार, वेदर की रिपोर्ट तो अच्छी नहीं नजर आ रही है। अगर 5 दिन टेस्ट मैच चलता है तो 2.5 से 3 दिन बारिश बताई जा रही है। पहले 2 दिन बारिश है और उसके बाद 5वें दिन भी बारिश बताई जा रही है, और पहले दूसरे दिन तो काफी ज्यादा बारिश है, तो अभी के लिए तो बादल जरूर मंडराएंगे और बारिश के आसार काफी ज्यादा है। तो तेज गेंदबाज आप फोकस में रखिएगा, जो भी टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है उसके तेज गेंदबाजों को फोकस में रखना है। अब पिच की रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं। अब हमने तेज गेंदबाजों की बात करी है तो देखिए यार, इस मैदान पे सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क पे, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 338 का रहता है और सेकंड इनिंग में भी ऑलमोस्ट 300 रन लग जाते हैं, लेकिन वो थर्ड और फोर्थ इनिंग में वो स्कोर काफी ज्यादा गिर जाते हैं क्योंकि बैटिंग उतनी आसान नहीं रहती है, स्पेशली थर्ड और फोर्थ इनिंग में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन क्योंकि शुरुआती 2 दिन में गेंदबाजों के फेवर में जा सकती है चीजें, क्योंकि बादल रहेंगे तो फर्स्ट बॉलिंग जो भी करेगा मेरे ख्याल से उसके एडवांटेज ज्यादा रहता नजर आने वाला है आपको। तेज गेंदबाज ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीकन पिच है, तेज गेंदबाज ज्यादा विकेट लेंगे यहाँ पर, लेकिन बैटिंग उतनी खराब नहीं होती है, यहाँ पर डिसेंट काम आप कर सकते हैं थोड़ा टिक गए तो। वैसे आपको बता दूं मैं, इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका जो आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था 2021, ठीक आज से 2 साल पहले खेला गया था और वहां पर इंडिया ने जीत हासिल करी थी। क्या क्या आंकड़े हैं उन रिकॉर्ड्स के अनुसार भी एक बढ़िया सी टीम बनाने की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार 11 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो पिंड कमेंट में हमने उनका लिंक दिया हुआ है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके जब कम लोग होते हैं तो अपने जीतने के आसार भी बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का जो डब्बा है जहां इंडिया साउथ अफ्रीका लिखा है उसके नीचे भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली जाकर के स्टार 11 ट्राई कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक भी वहीं पे दिया हुआ है, फटाफट से जाइए और टीम्स का लुत्फ उठाइए। चलिए विकेट कीपिंग की बात करते हैं। केएल राहुल डेजिग्नेटेड विकेट कीपर है। आपको बता दें ईशान किशन नहीं खेलेंगे इस टेस्ट सीरीज में, मेंटल फटीग से उनको स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया कि ये भाई 1 साल से बहुत खेल रहे थे, अब नहीं खेलेंगे ईशान किशन। तो केएल राहुल पे अब एकदम कोई सवाल निशान नहीं है, केएल राहुल ही आपके डेजिग्नेटेड कीपर होने वाले हैं और इसके साथ में आपके काइल वीरेन आएंगे। अब देखिए दोनों का बैटिंग पोजीशन सेम है, राहुल भी 5-6 पे आएंगे, वीरेन भी 5-6 पे आएंगे बैटिंग करने। वीरेन का करियर छोटा है और एवरेज भी 28 के आसपास की रखते हैं, हालांकि सॉलिड बैटर है, ग्राइंडिंग में ट्राई किए जा सकते हैं, लेकिन हम केएल राहुल की रीसेंट फॉर्म और कहीं ना कहीं उनका जो समय चल रहा है उसको बैक करके चलेंगे और केएल राहुल विकेट कीपर में सॉलिड विकल्प हो जाते हैं, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में। ऊपर होते तो अलग बात ही, लेकिन आपको बता दूं मैं, जो 2 साल पहले का टेस्ट मैच था ना, केएल राहुल ने शतक लगाया था ओपन करके, तो इस पिच पे एक्चुअली अच्छा कर सकते हैं केएल राहुल। आगे चलते हैं जरा बैटिंग सेक्शन में, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। अब यार एज एन ओपनर कभी भी आसान नहीं होता साउथ अफ्रीका में जा करके स्कोर करना, और रोहित शर्मा द टेस्ट मैच बल्लेबाज, वैसे हमने इंग्लैंड में देखा है इनको स्कोर वगैरह कर जाते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते रोहित से, अनएक्सपेक्टेडली अच्छा कर जाते हैं, काफी बयां काफी ज्यादा हाइप में यहाँ पर आ रखे हैं, काफी ज्यादा चर्चाओं में आ रखे हैं रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस का जो फियास्को है जहां पर कप्तानी से हटाया गया, वैसे तो पता नहीं हार्दिक भी कप्तान है या नहीं, उन पे भी सवाल है कि फिटनेस इश्यूज क्या है उनके, क्या फिट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो भी है प्रूव करने के लिए तो काफी ज्यादा आतुर होंगे रोहित, नॉट ओनली सिर्फ टेस्ट मैच में बट भारतीय जर्सी में, कि भारतीय जर्सी में जब आप अच्छा करते हैं आपके खुद के कॉन्फिडेंस में बड़ा ज्यादा इजाफा होता है, तो रोहित शर्मा को उस चीज के लिए बैक करके चलेंगे और विराट कोहली भी, किंग कोहली को भी बैक करके चलेंगे। आपको बता दें किंग कोहली साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में 50 प्लस की एवरेज रखते हैं, बहुत कम होता है जब आप एक एशियन कंडीशंस के बल्लेबाज को देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में जाकर इतना बढ़िया करते हैं। कोहली उनमें से एक है, 2018 वाला सीजन आप भूले नहीं होंगे यार, अकेले रन लगाए जा रहे थे विराट कोहली, तो कोहली को बैक करेंगे, रोहित को बैक करेंगे। डीन एल्गर है, टेम्बा बवुमा है, ईडन माक्रम है। अब आपको बता दें यार, डीन एल्गार और ईडन माक्रम आपको ओपन में नजर आ सकते हैं, बवुमा को एज एन ओपनर मत मानिएगा, बवुमा नंबर 4 पे नजर आने वाले, कप्तान टेम्बा बवुमा और मैं इनको बैक करना चाहूंगा। सिलेक्शन रेट देखिए मात्र 16% का है इस वक्त, तो एक बढ़िया पंट हो जाएगा आपका, टेम्बा बवुमा अच्छा करते हैं, इनफैक्ट
मुझे याद है इंडिया के खिलाफ भी मिडिल ऑर्डर में 50 लगा रखा है इन्होंने जब लास्ट टाइम मैच हुआ था। तो टेम्बा आपके लिए जरूर पंट होगा और मैं उम्मीदें लगा रहा हूँ इनसे, यार ये सॉलिड बैटर है, टेस्ट मैच में अच्छा कर सकता है। इडन माकरम बैक करेंगे। अब आप मानते हैं यार कि करियर की शुरुआत इनकी एज एन ओपनर ही हुई थी, अच्छा नहीं करा, फिर बीच में गए, फिर ऊपर आए, लेकिन अब अच्छा कर रहे हैं यार, लास्ट टाइम भी अच्छा किया था इन्होंने। तो इडन माकरम एज एन ऑलराउंड विकल्प और एज अ प्रॉपर बैटर जैसा मर्जी आप मान लीजिए, लेकिन एक सॉलिड विकल्प तो रहेगा, तो माकरम को बैक करके चलेंगे। अभी के लिए एक विकल्प आपको टीम प्रीव्यू दिखाते हैं। 5 खिलाड़ी हमारे तैयार हो चुके हैं, 1 विकेट कीपर केएल राहुल और 4 बल्लेबाज हैं हमारे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, टेम्बा बबुमा और इडन माकरम को हमने पैक कर लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, ऑलराउंडर विकल्प देखते हैं जरा। चैनल सब्सक्राइब करा है नहीं करा आप सब लोगों ने, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे आप तब। ऑलराउंडर्स में आते हैं, रविंद्र जडेजा को बैक करेंगे। कोई बोलिंग स्टैट्स खतरनाक नहीं है, लेकिन जडेजा मुश्किल कंडीशंस में अच्छा करते हैं, यूजुअली अच्छा करते हैं, चाहे न्यूजीलैंड की बात कर ले, इंग्लैंड की बात कर ले, साउथ अफ्रीका की बात कर ले, विकेट वगैरह गिरती है, इनके रन आ जाते हैं और एक आध विकेट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं यार। इनफैक्ट अगर आप अश्विन और जडेजा में कंफ्यूज हैं, मैं आपको बता दूं अश्विन थोड़ा सा खराब करते हैं साउथ अफ्रीका में स्पेशली, तो मैं एज एन ऑलराउंड विकल्प जडेजा पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, इनको बैक करके चलते हैं। और मार्को यानसन भी बैक करते हैं। मार्को यानसन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, तो एक डेफिनेटली भारतीय बल्लेबाजों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, प्लस रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल सारे के सारे राइट हैंडर्स भी हैं, तो एक मार्को यानसन का बढ़िया सॉलिड विकल्प बनेगा, नंबर 7 का बैटर। और ये बंदा देखिए हिटिंग एबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन टिक्के खेलना बड़ा अच्छा जानते हैं मार्को यानसन, तो एक ऑलराउंड विकल्प बढ़िया हो जाएगा यार। अभी के लिए 4-3 का कॉम्बिनेशन आपके सामने तैयार हो रहा है, बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन लग रहा है यार। अभी के लिए चलते हैं बोलिंग सेक्शन में और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं एज अ बोलर बैक करते हैं इस टीम में। जसप्रीत बुमराह हैं, रबाड़ा हैं, सिराज, कोहित जी, लुंगे गिड़ी, सारे अच्छे विकल्प लग रहे हैं। बुमराह को तो बैक करेंगे सबसे पहले, जसप्रीत बुमराह जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की, बुम बुम बुमराह विकेट लेकर के देंगे आपको, और इस पिच पे तेज गेंदबाजों को हेल्प है, तो बुमराह से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सेम टू सेम कगिसो रबाड़ा के लिए भी कहेंगे, इनफैक्ट जो लास्ट टाइम सुपर स्पोर्ट्स पार्क में भिड़े थे इंडिया साउथ अफ्रीका, रबाड़ा की अच्छी खासी विकेटें थी, तो रबाड़ा और बुमराह तो आपके स्पीयर हेड तेज गेंदबाज हम बैक करके चलेंगे। अब सिराज केशव महाराज को मैं थोड़ा दरकिनार करके चलूंगा इस मुकाबले में, पिच को मद्देनजर रखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, वेदर को देखते हुए। लुंगी गिड़ी, मोहम्मद सिराज, यार दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं मेरे को, दोनों ही मैं बैक करना चाहता हूं टेस्ट मैचेस में। दोनों के पास वो एबिलिटी है विकेट लेने की, बॉल को मूव कराने की, लेकिन दोनों बड़े मूडी से हैं यार, किसी दिन चलते हैं तो बिल्कुल, किसी दिन बिल्कुल नहीं, तो एक भी विकेट लेकर के नहीं जाते। ऐसा आपको बता दूं, मैं लुंगी गिड़ी जब लास्ट टाइम खेले थे ना इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब टेस्ट मैच हुआ था, 6 विकेटें निकाली थी इन्होंने, तो इस पिच पे अच्छा कर रखा है इन्होंने, अच्छी मेमोरीज के साथ आएंगे। और लुंगी अगर इंजर्ड नहीं है और मौका मिलेगा तो लुंगी डांस कर सकते हैं, लुंगी को बैक करेंगे। कोहित जी को हम दरकिनार कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, वाइट बॉल की अलग बात है, रेड बॉल में एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है और पेस आपकी दुश्मन भी बन सकती है कई बार, और हमने कई बार देखा है कि नई जो पौध होती है उसको थोड़ा सा समय लगता है टेस्ट मैचेस में, तो अभी के लिए लुंगी अच्छे लग रहे हैं। साथ ही साथ मोहम्मद सिराज बैक कर लेते हैं, मोहम्मद सिराज जेन्युइन विकेट टेकर, और दिन होता है भाई तो ये भी 3-3, 4-4 मियां भाई लेकर के चले जाएंगे विकेटे। अब यार एक प्लेयर और हमें बैक करना है, साउथ अफ्रीका के बोलर तो अच्छे खासे हो गए हैं, एक इंडिया का एक्स्ट्रा बोलर हमने सिराज रखा था, सिराज पिक नहीं हुए। चलिए टीम अब तैयार हो चुकी है, 11 प्लेयर्स हो चुके हैं, 6-5 का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं यार। कीपर्स में केएल राहुल है, बैटर्स में रोहित, विराट, साथ में टेम्बा बबुमा और इडन माकरम बैक करे हैं, ऑलराउंडर्स में जडेजा, यानसन, और 4 बोलर्स में बुमराह, रबाड़ा, सिराज और लुंगी गिड़ी। परफेक्टली बैलेंस टीम नजर आ रही है, स्टैट्स और परिस्थितियों के अनुसार बढ़िया टीम बनाई है। थोड़े से पंट्स अगर आपको इंक्लूड करने हैं, थोड़ा सा मे बी आप रिस्क ले ले, या रिस्क कहां ले सकते हैं, मे बी काइल वीरेन एज अ विकेट कीपर बैक कर ले, मे बी बैट्समैन में आप शुभमन गिल ट्राई कर लें, श्रेयस अय्यर को ट्राई कर लें फॉर दैट मैटर। श्रेयस वैसे साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में मैं ज्यादा बोलूंगा, लेकिन हाँ शुभमन ट्राई किए जा सकते हैं। ऑलराउंडर्स में मैं नहीं, अश्विन पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन एक बैटर है कीगन पीटरसन जो मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से, उन पे दाव खेला जा सकता है। और बोलर्स में तो केशव महाराज भी एक टीम आप बैक करें, लेकिन ऑलमोस्ट सॉर्टेड नजर आ रही है ये टीम। आगे चलते हैं सीबीसी के विकल्प में। अब देखिए यार टेस्ट मैचेस में मैं कहूंगा गेंदबाजों पे या ऑलराउंडर्स पे मेरा ज्यादा भरोसा रहता है ऑनेस्टली, मुझे व्हाइट बॉल में भी रहता है, लेकिन टेस्ट मैच में आपके पास विकल्प रहता है, आप जितने मर्जी ओवर करके जा सकते हैं। एज अ बैटर आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए आउट होने के लिए, लेकिन एज अ बॉलर आप पूरे दिन बॉलिंग कर सकते हैं और कभी भी विकेट लेकर के जा सकते हैं, तो ये एडवांटेज रहता है। और इसीलिए मैं एज अ बॉलर पे ज्यादा पंट लेना चाहूंगा। एज अ बैटर अगर देखते हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीकन कंडीशंस, वेदर रिपोर्ट इतनी अच्छी है नहीं, तो ऑलराउंडर्स या बॉलर्स पे ही फोकस करते हैं। क्या जड्डू अच्छे विकल्प होंगे, मार्को यानसन को ले रहे हैं तो एज अ बॉलर ही लीजिएगा। और बॉलिंग में आते हैं लुंगे गिड़ी, सिराज, थोड़े से वही है, डाइसी से रहते हैं, कभी कभी विकेट मिलती ही नहीं है, तो विकल्प निकल के आते हैं हमारे पास रबाड़ा, बुमराह या फिर रविंदर जडेजा। किस पे फोकस करना ज्यादा सही है, जडेजा की बैटिंग फॉर्म वैसे क्वेश्चन मार्क है,
अगर आप एज अ बैटर ज्यादा बैक कर रहे हैं तो जडेजा भी क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं बुम बुम बुमरा और रबाड़ा को बैक करके चलते हैं। अब आपको बता देते हैं जो भी टीम फर्स्ट बॉलिंग करेगी टॉस जीतने के बाद, जो भी फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है उसका कप्तान हम लेना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका कर रहा है तो रबाड़ा लेना चाहेंगे, और इंडिया फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है तो बुमराह लेना चाहेंगे। कीपिंग इन माइंड कि शुरुआती दो दिन क्लाउड कवर बहुत ज्यादा रहता नजर आ सकता है, जो बैट्समैन के लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी के लिए रबाड़ा और बुमराह के लिए एक काम करते हैं, बूम बूम को कप्तान करते हैं, रबाड़ा को वीसी करते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगा तो रबाड़ा कप्तान कर देंगे और बुमराह वाइस कप्तान कर देंगे। जो भी फर्स्ट बॉलिंग है उसका कप्तान हमें पिक करना है। इस टीम को सेव करते हैं और आपको टीम प्रीव्यू दिखाते हैं जरा। इस टीम में हमने कप्तान करा है बुमराह को, वाइस कप्तान रबाड़ा, एक विकेट कीपर, चार बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर्स और चार बोलर्स की ये टीम कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रही है। उम्मीद कर रहे हैं आपको इस शो से मजा आया होगा और डेफिनेटली आपने हमारा जो ये शो है इसको पसंद किया होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए यार, हम आप सबके साथ फैमिली वाला बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो आपकी कोई भी मिस ना हो पाए। स्टार 11 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो पिंड कमेंट में उनका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको सारे लिंक्स दे रखे हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टार 11, सारे के सारे लिंक्स है, जुड़ जाइए। 30,000 के हमारे वीआईपी मेंबर्स है, वहां पर सारी टीम्स आपको मिल जाती है टेलीग्राम की। चलिए अब लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा, सारी स्पेशल रिपोर्ट्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। लेकिन अभी के लिए विदा लेना चाहेंगे, अपना ध्यान रखिए, टाटा सी आर, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया।